नमस्कार, मैं गुलाब मीना, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, बापू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे व्यवहारवाद संबंधी अध्ययन। 20वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में आश्चर्यजनक तरक्की हुई और इस विकास का सामाजिक विज्ञानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा लेकर सामाजिक विज्ञानों ने परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, परंपरागत अध्ययन क्षेत्र एवं परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र एवं आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण अपनाया। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही राजनीति विज्ञान के प्रसंग में भी आधारभूत परिवर्तन आया है और इसे राजनीति वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी क्रांति कहा है। व्यवहारवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसकी जन्म विकास में दो प्रमुख तत्व सहायक रहे हैं। प्रथम, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों की यथार्थवाद अनुभव। अर्थात व्यवहारवाद उन समाजशास्त्रियों और राजनीति शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रथम दशक में दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से 1960 में प्रकाशित अनुभववादी विद्वान ग्राहम वालेस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और बेटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का विशेष महत्व रहा है। वालेस का मत था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं अपितु मानव के व्यवहार के प्रसंग में किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। व्यवहारवाद के विकास में अनेक व्यवहारवाद विद्वानों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनमें हर्बर्ट साइमन, लॉसवेल, कैप्लॉन, कैटलिन आदि, डेविड स्टन आदि प्रमुख रहे हैं। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की परिभाषा। रॉबर्ट ए डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलता के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। हिज युलाओ के अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का एक ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या विकसित करना चाहता है। व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जो राजनीतिक घटना एवं तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहता है। व्यवहारवाद की प्रकृति इसके ऐसे विशिष्ट गुणों को प्रकट करती है जो अन्य अवधारणाओं से उसकी भिन्नता एवं अंतर को स्पष्ट करते हैं। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की प्रकृति की कुछ विशेषताएँ बताई हैं, जिनमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शोध कार्य विश्लेषण की मूल इकाई व्यक्ति है। दूसरा, राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक व्यवहारवादी विज्ञान है और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। व्यवहारवाद तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन के लिए अधिक शुद्ध प्रविधियों के विकास पर बल देता है। इस दृष्टि से यह सांख्यिकीय या परिमाणात्मक सूत्रीकरणों के उपयोग को वरीयता देता है। नेक्स्ट, व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित अनुभाविक विज्ञान के रूप में विकसित करना है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उपागम का जन्म एक ऐसे वैचारिक आंदोलन के रूप में हुआ है जिसका उद्देश्य परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर एक नए वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान की स्थापना रहा है। व्यवहारवादी आंदोलन के कुछ लक्ष्य उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं। एक, नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना, राजनीति का विज्ञान विकसित करना। तीसरा, राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन। चौथा, राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं, लक्षणों एवं विशेषताओं पर डेविड ट्रूमैन, हिज युलाओ, डेविड स्टन आदि अनेक विद्वानों ने विस्तार से विवेचन किया है। व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का विस्तार मान्यताओं या विशेषताओं को डेविड स्टन ने समग्रता के साथ प्रस्तुत किया है। उसने व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम के 8 लक्षण बताए हैं और उन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा है। डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं लक्षण इस प्रकार हैं।
फर्स्ट है नियमन। नियमन का सरल अर्थ है राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों सिद्धांतों का निर्माण संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उसके भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में संभावना प्रकट की जा सकती है। दूसरा है सत्यापन। सत्यापन का अर्थ है मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाए गए हैं उसकी सत्यता की जाँच होनी चाहिए। इस प्रकार की जाँच की क्रिया सत्यापन की क्रिया ही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध करती है और उन्हें विश्वसनीय बनाती है। तीसरा है तकनीकों का प्रयोग। यह तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। परंपरागत रूप से जिन तकनीकों को काम में लाया गया है वे विज्ञान के करीब तो हैं किंतु उन्हें हम पूर्ण शुद्ध वैज्ञानिक नहीं कह सकते। अतः व्यवहारवादियों का मत है कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिश की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। वास्तव में तकनीकों की शुद्धता एवं वैज्ञानिकता के साथ ही यह भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष एवं तटस्थ भाव से करे, तभी हमारा राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकता है। नेक्स्ट है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का अर्थ है इकट्ठे किए हुए संग्रहित तथ्यों आंकड़ों विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। परिमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों आंकड़ों एवं समस्त सामग्री का सूक्ष्म पुनः पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि इन्हें अधिक यथार्थ एवं शुद्ध बनाया जा सके। इस कार्य में सांख्यिकी की पद्धतियों से सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण। व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों और मान्यताओं को अध्ययन से अलग रखना चाहिए ताकि अध्ययन मूल निरपेक्ष या मूल्य मुक्त हो सके। इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन से जो यथार्थ निष्कर्ष या मान्यता प्राप्त हो उन्हें स्वीकारा जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्थित अध्ययन। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक है। अनुसंधान अथवा शोध या खोज तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम स्थान पहले आता है। इसका सरल अर्थ यह है कि अनुसंधान का कार्य किया जाना चाहिए और इस अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शुद्ध विज्ञान का निर्माण। व्यवहारवादी राजनीति को एक ऐसे शुद्ध विज्ञान का रूप देना चाहते हैं जिसमें दो लक्षण हो। यह है फर्स्ट, यह वैज्ञानिक अर्थात आनुभाविक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो। दूसरा, हमारे युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। नेक्स्ट विशेषता है मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। व्यवहारवाद के अनुसार मानव का व्यवहार स्वयं एक पूर्ण इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जा सकता है। मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ ही किया जाना चाहिए। इसका सरल अर्थ यह है कि मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों के आपसी सहयोग द्वारा ही मानव के व्यवहार को समझा जा सकता है। इस प्रकार मानव के राजनीतिक व्यवहार को पूर्णता के साथ समझने के लिए राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए। राजनीति विज्ञान को तथ्य में आंकड़े एकत्रित करने पर उनके विश्लेषण में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों, शोधों, उपलब्धियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का समर्थक है। इस प्रकार डेविड डिस्टन ने व्यवहारवाद के 8 मूल लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की आलोचनाएं या सीमाएं। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण या भागम है जिसकी तीव्र आलोचना इसके जन्म के साथ ही आरंभ हो गई थी। सर्वप्रथम आलोचना परंपरावादियों के समर्थक विद्वानों ने शुरू की क्योंकि व्यवहारवाद की मान्यता और निष्कर्षों से पूर्णतः असहमत थे। कुछ समय बाद अनेक व्यवहारवादियों ने भी अनुभव किया कि व्यवहारवाद में कुछ कमियाँ हैं और उन्होंने व्यवहारवाद की कुछ कमियों को रेखांकित किया। व्यवहारवाद की आलोचना इसकी सीमाओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है शब्दांडंबर का दोष। व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के अत्यंत उत्साह से आलोचना की है किंतु विश्व में इसकी वास्तविक सिद्धांत धारणा की रचना में असफल रहे। ऐसी स्थिति में उनकी शब्दावली वे सप्रत्यंग मात्र शब्दों का आडंबर बनकर रह गए हैं। इनके तर्क अर्थहीन शब्द जाल दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट आलोचना है व्यवहार मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया है किंतु आलोचकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान का मूल्य निरपेक्ष अध्ययन तो संभव है न उचित है। जब एक शोधकर्ता अपने अध्ययन कार्य की शुरुआत करना चाहता है तो वह शोध संबंधी विषय के चुनाव में अपने मूल्यों से प्रभावित होता है। इस प्रकार शोध कार्य की शुरुआत ही मूल्यों से प्रभावित हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है।
विद्वानों का यह भी मत है कि राजनीति विज्ञान मूल्य निरपेक्ष अध्ययन उचित भी नहीं है। मूल्य निरपेक्षता पर जोर देने का अर्थ होता है कि अच्छे बुरे में अर्थात उचित या अनुचित भेद नहीं करना। नेक्स्ट है अत्यधिक खर्चली पद्धति। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता एवं पूर्णता के नाम पर बार बार सर्वेक्षण करते हैं, आंकड़े करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। ये सब कार्य धन एवं समय की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीला है। एक सामान्य अध्ययनकर्ता तथा तृतीय विश्व का गरीब समाज इस पद्धति को अपनाने में असमर्थ दिखाई पड़ता है। राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर। व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान में आधारभूत समानता मानते हैं और इस आधार पर वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने पर जोर देते हैं, किंतु वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान में अत्यधिक अंतर दिखाई पड़ता है। प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में राजनीति विज्ञान के तथ्य अत्यधिक जटिल, परिवर्तनशील, कम पर्यवेक्षण योग्य स्पष्ट होते हैं। अतः व्यवहारवादियों का यह विश्वास भ्रमपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान जैसा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आलोचना है सुनिश्चित सिद्धांत भविष्यवाणी संभव नहीं है। व्यवहारवादियों का विश्वास रहा है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार के बारे में ऐसा सामान्यकरण प्रस्तुत करने में तथा ऐसे सिद्धांत का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं जिनके आधार पर वे मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाकलापों के बारे में सही सही भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, किंतु वास्तव में अभी तक वे ऐसे विश्वसनीय सामान्यकरण एवं सिद्धांतों के निर्माण में असफल ही रहे हैं। आलोचकों का मत है कि व्यवहारवादियों को इस मामले में सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ऐसे सुनिश्चित स्तर नियमों का निर्माण संभव नहीं है। नेक्स्ट है मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान संभव नहीं है। मानव के राजनीतिक व्यवहार का पूर्ण एवं सही से अध्ययन असंभव है, इसलिए व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल ही रहे हैं। मानव स्वभाव अत्यधिक जटिल है और उसके अंतर्मन की गहराइयों और सूक्ष्मताओं को मालूम नहीं किया जा सकता और उनका मापन तो संभव ही नहीं है। नेक्स्ट आलोचना है लघु एवं वृहत इकाई संबंधी समस्या। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता तथा सुविधा के लिए छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं, किंतु ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समाज पर लागू करते हैं तो वह अनुचित है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थानीय समूह के मतदान व्यवहार के अध्ययन निकाले गए निष्कर्ष को संपूर्ण समाज के संदर्भ में सत्यता समझना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट आलोचना है नीति निर्माण की सहायता देने में असमर्थ। नीति निर्माण में तथ्यों के अलावा मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। मूल्यों की उपेक्षा करके मात्र तथ्यों के आधार पर बनाई गई नीति अमानवीय अनैतिक हो सकती है, किंतु व्यवहारवाद केवल तथ्यों को महत्व देता है, मूल्यों की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट आता है व्यवहारवाद की उपलब्धियाँ या उपयोगिता। यद्यपि व्यवहारवाद की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, किंतु इसके कुछ ऐसे अच्छे पक्ष भी जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन इसके उपयुक्त महत्व को स्वीकारा गया है। इसने आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में एवं अध्ययन प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसके उपयोगिता के संदर्भ में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। फर्स्ट है नए राजनीति विज्ञान की स्थापना। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को प्रकट करके उसके स्थान पर नए राजनीति विज्ञान की स्थापना की है, अर्थात व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का पूर्ण कायाकल्प किया है। उसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट महत्व है राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकरण का प्रयत्न। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सांख्यिकी आदि को अपनाया है और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट है अध्ययन वस्तु में परिवर्तन। व्यवहारवाद से पहले राजनीति विज्ञान में अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीति संस्था थी, लेकिन व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर अध्ययन का केंद्र मानव के राजनीति व्यवहार को स्वीकारा है। नेक्स्ट है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्वीकारा है। उनका मत है कि एक अनुशासन अर्थात सामाजिक विज्ञान को दूसरे अनुशासन की पद्धतियों उपलब्धियों को अपनाना चाहिए। उनकी इस मान्यता को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। रॉबर्ट डायल ने व्यवहारवाद के इस दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद का मूल्यांकन। यद्यपि आज व्यवहारवाद का पतन हो चुका है, किंतु यह कहना उचित ही होगा कि इसने राजनीति विज्ञान के आधुनिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। वस्तुतः व्यवहारवाद के अभाव में राजनीति विज्ञान के आधुनिक स्वरूप का विकास संभव ही नहीं था। उत्तर व्यवहारवाद को जन्म देने का श्रेय व्यवहारवादियों को ही जाता है, इसलिए पुराने व्यवहारवादियों को ही उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार व्यवहारवाद का अंत होने के बावजूद वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जीवित है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।